अगर हम देख लें, मेजर कर लें, तो हमें पता लग जाता है कि ज़मीन के किस इलाके में हाई प्रेशर और कहाँ चांसेस हैं कि हाई टेम्परेचर और कहाँ चांसेस हैं वोल्केनिक इरप्शन के। नेक्स्ट है लेज़र, जो कि मैग्मा एवेल्यूएशन करता है। लेज़र के ज़रिए से जो है हमें मैग्मा की सूरत हाल पता लग जाती है कि कौन सी ऐसी अर्थ सर्फेस है कि जहाँ पर मैग्मा पाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री इज़ अ प्रोसीजर जिसकी वजह से प्रेजेंस ऑफ गैसेज हमें पता लगती हैं। जब प्रेजेंस ऑफ गैसेज हाई होंगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर मैग्मेटिक प्रेशर बन रहा है, वहाँ पे चांसेस है कि वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ एवलांच। एवलांच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द नेचुरल डिजास्टर्स। सो देखते हैं, एंड एवलांच इज़ अ ड्रामेटिक फ्लो ऑफ ड्रामेटिक फॉल ऑफ स्नो। ठीक है जी, अब हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास स्नो गिर रही है, मैं आपको पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। ये स्नो गिर रही है, ये देखें, जब स्नो गिरती रहती है इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि इस स्नो की लेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, 0 डिग्री। जब ये टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है तो ये ग्लास सर्फेस बन जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वीक प्लेन। जब ये वीक प्लेन क्रिएट हो जाता है इन दैट एरिया, ऑब्वियसली वो जो हमारे पास सरफेस, वो जो स्नो है वो कंटिन्यूसली फॉल करती रहेगी। जब ऊपर उसके ऊपर जो है वो स्नो, फ्रेशली स्नो फॉल करती रहेगी और नीचे जो है हमारे पास वीक प्लेन है, तो देर आर सम चांसेस कि यहाँ पे एवलांच क्रिएट हो सकता है। उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती है, ग्रेडियंट उसका हाई, स्लोप उसकी ज़्यादा होगी, या फिर और डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं, कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो सकती हैं, या वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है जिसकी वजह से टेक्टोनिक मूवमेंट कुछ डिस्टर्बेंस हुई होगी जिसकी वजह से एवलांच क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली सिंपल प्रोसीजर है एवलांच का। स्नो फॉल्स एट अ टाइम रिड्यूस व्हेन द टेम्परेचर रीच टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको बता दिया। तो द सर्फेस बिकम ग्लास लाइक एंड फ्रेजाइल, प्लेन ऑफ वीकनेस क्रिएटेड, स्नो स्टार्ट्स फॉलिंग ऑन द प्लेन ऑफ वीकनेस व्हेन फ्रिक्शन रिड्यूस द एवलांच हैपन्स। ठीक है, मैंने सारी बात आपको बता दी है। रीजंस ऑफ एवलांच देख लेते हैं। 45 to 60 degree ग्रेडियंट अगर होगा, जहाँ पे मोस्टली स्की की जाती है, वो हमें पता है कि ग्रेडियंट कितना स्लोपी होता है, तो वहाँ पे एवलांच के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकती हैं कुछ, जिसकी वजह से एवलांच हो सकता है। सिस्मिक चेंजेस हो सकती हैं, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट मैंने आपको बताया, उसकी वजह से एवलांच हो सकता है। उसके अलावा फोर्स ऑफ बाइंडिंग जो है, जो नई स्नो गिर रही है और जो प्लेन ऑफ वीकनेस की स्नो है उसके अंदर बाइंडिंग फोर्स कम होगी, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एवलांच क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं एवलांच की। सबसे पहले है स्लैब एवलांच। स्लैब एवलांच कब होगा, जबकि जो है प्लेन ऑफ वीकनेस जो है उसकी वो फॉल होना शुरू हो जाएगा, तो तब होगा हमारे पास स्लैब ऑफ एवलांच। क्योंकि जो प्लेन ऑफ वीकनेस है वो हमारे पास ग्लास लाइक फ्रेजाइल मटेरियल बन चुका होता है, तो उसकी वजह से स्लैब एवलांच होता है। वेट स्नो एवलांच होता है, उसके बाद पाउडरी स्नो एवलांच होता है, और उसके बाद लूज स्नो एवलांच होता है। लूज स्नो एवलांच जो है, दैट इज़ द मोस्ट अपर लेयर ऑफ द स्नो, जो कि अभी फ्रेशली गिरी होती है, दैट वी कैन कॉल्ड एज लूज स्नो एवलांच। पाउडरी स्नो एवलांच भी कुछ इसी तरीके से होता है, और वेट स्नो एवलांच भी यही होता है। इसमें जो है प्लेन ऑफ वीकनेस जो है वो फॉल नहीं करता। ओके जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या हैं, अभी हम ये देख लेते हैं। साइक्लोन इज़ द इंटेंस सर्कुलेशन ऑफ द एयर दैट रिजल्ट्स ड्यू टू द लॉन्ग स्टैंडिंग लो प्रेशर इन एन एरिया। जब साइक्लोन्स बेसिकली क्या होती है, सर्कुलेशन ऑफ एयर होती है। जब एक पर्टिकुलर एरिया में लॉन्ग स्टैंडिंग लो प्रेशर रहेगा, तो वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ क्या होगी, सर्कुलेशन ऑफ एयर होगी, तो उसकी वजह से साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ये बात हमें पता है, हमने पीछे वेदर वेरिएबल्स में ये बात पढ़ चुके हैं। ये देखें, मैंने आप फिर से यहाँ पे बना दिया, ये है ट्रॉपिकल, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं जी। किसी भी सिचुएशन, किसी भी पोजीशन में अर्थ रहे वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ट्रॉपिकल जोन्स को सबसे ज़्यादा डायरेक्ट हीट आती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर कम होता है। अच्छा जी, हम ये बात वेदर वेरिएबल्स में देख चुके हैं कि मोर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, फिर मोर जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। अब ये देखें, लो ट्रॉपिकल जो जोन है वहाँ पे डायरेक्ट हीट आ रही है, तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, और जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो है, तो प्रेशर हाई होगा, और हाई प्रेशर से मूव कर रही है एयर लो प्रेशर की तरफ। द साइक्लोन्स मेड इन सी ड्यू टू द हीट एंड लो प्रेशर ट्रैप बाय द वाटर, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन्स के जो सी हैं ये जो है हाई टेम्परेचर वाटर, हमें पता है कि इसकी हीट ऑफ कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या है, हाई टेम्परेचर ज़्यादा ट्रैप करता है, टेम्परेचर ज़्यादा ट्रैप करता है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लो होगा, तो सर्कुलेशन ऑफ एयर पहले सी की तरफ आती है, और जब सी की तरफ आती है तो वहाँ से साइक्लोन क्रिएट होता है,
और जब साइक्लोन लैंड में पास करता है तो जब वो जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं लैंडफॉल, वेयर इट क्रॉसेज द बाउंड्री बिटवीन द सी एंड द लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास टोर्नेडो। टोर्नेडोज एंड साइक्लोन्स आर मोस्टली कंसीडर्ड द सेम, बट इसमें कुछ डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं कि आज वो डिफरेंस आज हम देखेंगे कि वो क्या है। टोर्नेडोज आर कॉल्ड बाय द सुपर सेल्स। सुपर सेल बेसिकली इज अ क्लाउड। ठीक है, रेन हैपेंड कॉजेज वार्मर एयर टू राइज एंटर इन टू द सुपर सेल्स स्टार्टेड टू रोटेट एंटी क्लॉक वाइज टेम्परेचर डिफरेंस गिव इट अ स्पीड फॉर्म्स टोर्नेडो। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से देख लेते हैं। ये एक सुपर सेल है, ये एक क्लाउड है। ठीक है, रेन हुई और जो अर्थ से जो वार्मर एयर थी वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर गई। ये ऊपर की तरफ मूव करी और इसी तरह से मूव करेगी। ठीक है, अब जो है इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो अंदर है ना ये जो एयर अंदर जाएगी सुपर सेल के, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगी। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऑब्वियसली सुपर सेल में जो है टेम्परेचर कम होगा, जो वार्मर एयर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी एंड दैट फॉर्म्स अ टोर्नेडो। और टोर्नेडो की एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ, टोर्नेडो के अंदर जो है वो लो प्रेशर होता है, इसका मतलब कि अंदर हाई टेम्परेचर होता है, और जो बाहर है हाई प्रेशर होता है, मतलब लो टेम्परेचर होता है। इसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एंड इट हैज़ अ डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ओके जी, जो नेक्स्ट डिज़ास्टर है हमारे पास दैट इज़ ड्रॉट्स। ड्रॉट ये बहुत सिंपल है और अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहते तो आप बहुत एक्सटेंसिवली इसको पढ़ चुके होंगे, पर फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएसए। एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ शॉर्टेज ऑफ रेन ऑफ वाटर। ठीक है, ड्रॉट इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि कहीं पे पानी का कहत आ जाए या पानी की कमी हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ड्रॉट। ठीक है, टाइप्स क्या हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट होता है, पुअर डिस्पर्समेंट ऑफ वाटर, वाटर हो तो वाटर की अवेलेबिलिटी हो तो पर उसकी डिस्पर्समेंट पुअर हो। जैसे कि हम देखते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास जो है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सिस्टम है, लेकिन जो है बलोचिस्तान के इलाके में बहुत कम पानी की डिस्पर्समेंट है, तो बट वी कैन कॉल इट एज सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। ठीक है, जो वहाँ के इलाके की सिचुएशन अक्सर क्रिएट होती है, ड्रॉट्स जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। ठीक है, एग्रीकल्चर ड्रॉट्स, लैक ऑफ इरीगेशन वाटर, पानी के पानी हमारे पास हो तो जैसे कि हमारे रिवर्स फ्लो कर रहे हो लेकिन वो जो है इरीगेशन के लिए हमारे पास पानी अवेलेबल ना हो, हमारी जो है फसलें ख़राब हो रही हों पर हमारे पास इरीगेशन वाला पानी अवेलेबल ना हो तो उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट्स। मेट्रोलॉजिकल क्या होते हैं, एक्चुअल लैक ऑफ रेनफॉल, जब एक्चुअली रेनफॉल ना हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट्स। इसके कुछ इफेक्ट्स हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले लाइफ लॉसेज होती हैं, कहत पड़ जाता है, फेमिन पड़ जाता है, पानी नहीं होता तो उसकी वजह से लाइफ लॉसेज होती हैं, एग्रीकल्चर लॉसेज होती हैं। हमें पता है कि एग्रीकल्चर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वाटर से, उसके बाद लैंड लॉसेज होते हैं, सॉइल उरैयन हो जाती है, फर्टिलिटी लॉसेज होते हैं, पानी नहीं मिलता लैंड्स को तो उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, उसके बाद है माइक्रोब्स नहीं रहते कि जो के न्यूट्रिएंट्स को इनरिच करते हैं, उसके बाद है इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लॉस होगा, लाइफ स्टॉक लॉस होगा, ह्यूमन लॉस होगा तो उसकी वजह से हमारे पास इकोनॉमिक लॉस होगा, उसके बाद फेमिन क्रिएट हो जाता है, कहत साली जिसको हम कहते हैं, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लॉस होगा तो उसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट होगा खुराक पर और फेमिन क्रिएट हो जाएगा। ओके जी, जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। हम देखते हैं कि वट इज़ वाइल्ड फायर नाउ, ऑल्सो नोन एज द पिट फायर और वाइल्ड लाइफ फायर। ठीक है, इसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं। व्हेन अ फॉरेस्ट टेम्परेचर रीचेज टू 300 डिग्री सेल्सियस द वेजिटेशन स्टार्ट टू रिलीज हाइड्रोकार्बन्स, दीज हाइड्रोकार्बन्स इंटरेक्ट विद द एयर इग्निटिंग फायर, द कंपोस्टेड वेजिटेशन ऑल्सो एक्ट एज अ टिंडर बॉक्स। अब मैं आपको बताती हूँ इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है। जब टेम्परेचर जैसे कि क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो है तो हमने देखा कि पिछले साल 2022 में यूरोप में बहुत सारी जो है वाइल्ड फायर्स विटनेस की गई, तो वो किस वजह से, क्योंकि टेम्परेचर जो था वो 300 डिग्री से अबव जा चुका था और हाइड्रोकार्बन्स क्रिएट हो चुके थे, और क्योंकि हमें पता है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ के फॉरेस्ट के इर्द गिर्द जो है लाइफ पाई जाती है, कुछ रिमोट एरियाज़ में भी जो है हाउसिंग हुई हुई है, तो इस वजह से डिफरेंट केस सिनेरियो से ड्यू टू सम सिगरेट और ड्यू टू सम इंजन स्पार्किंग ड्यू टू सम लाइटनिंग नेचुरल हैपनिंग्स क्या हुआ था वहाँ पे वाइल्ड फायर्स हुई थी बहुत सारी।
अब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, हाइड्रोकार्बन्स इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द वेजिटेशन, और हाइड्रोकार्बन्स आर द इग्निशन, क्या एज अ टिंडर बॉक्स काम करते हैं, जब वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करते हैं और किसी इग्निटिंग फैक्टर से इनका इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फायर पकड़ लेते हैं और इस तरह से वाइल्ड फायर हो जाती है, ठीक है। अब हम ये है कि कंपोस्टिंग जो वेजिटेशन होती है, जो कि रूटेड आउट वेजिटेशन होती है, उसका टेम्परेचर भी हाई होता है, तो वो भी टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इग्निशन किस तरीके से हो सकती है। इग्निशन जो है हमारे पास दो तरीक़ों से हो सकती है, इवन मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड में क्या हो सकता है, सिगरेट्स हो सकते हैं, फायरवर्क्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यू नो डाउनफॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है शॉर्टफॉल्स जो होते हैं उसकी वजह से हो सकती है, उसके अलावा कैंप फायर की वजह से हो सकती है, इंजन स्पार्क की वजह से हो सकती है, नेचुरल में क्या है, लाइटनिंग की वजह से हो सकती है, उसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकती है वाइल्ड फायर। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल्ड फायर के इफ़ेक्ट्स, इनको हम देख लेते हैं। इनके बहुत सारे नॉमिनस इफ़ेक्ट्स हैं, आप इनको वन बाय वन, इसके अलावा भी आपको कोई लगे कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ प्लीज़ मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ख़ुद भी ज़रूर ऐड कीजिएगा इन योर क्वेश्चन। तो जो मैंने लिस्ट किए हैं दैट आर इकोनॉमिक लॉसेज, उसके अलावा ह्यूमन लॉसेज, वेजिटेशन लॉसेज, वाइल्ड लाइफ लॉसेज, हैबिटेट लॉसेज, पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है, जॉब लॉसेज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, और सॉइल लॉसेज या लैंड लॉसेज या सॉइल ओरोजन, किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। So people, that's it from the video of natural disaster from physical sciences. Hopefully this will add value to your knowledge. अगर आपको लगे कि मैंने कोई टॉपिक मिस किया है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, योर रिकमेंडेशंस विल बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।